हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इट्स जीके गुरुजी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन क्वेश्चनों के बारे में जो हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएँ, जिससे हमारी नई नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आपको नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे। शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार किसी राज्य का राज्यपाल निम्नलिखित में किसकी सहायता एवं सलाह से अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, राज्य मंत्रिपरिषद। राज्य मंत्रिपरिषद की सहायता से जो है राज्यपाल जो है अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति करता है दोस्तों राष्ट्रपति, और प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी कौन करता है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर कौन करता है, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर डाले गए हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल को निम्नलिखित पद अधिकारियों में किसकी समक्ष शपथ ग्रहण करनी पड़ती है। तो इसमें आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के। उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो जो है राज्यपाल को शपथ ग्रहण कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की रिपोर्ट पर ही राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। राज्यपाल के कहने पर जो है राष्ट्रपति शासन लागू करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। आपके पास चार ऑप्शन है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 153। आर्टिकल नंबर 153 के अंदर ये कहा गया है कि हर एक राज्य का एक राज्यपाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसकी नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता है। आपको बताना है कि इन चार ऑप्शनों में से वह कौन है जिसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है। ऑप्शन ए है हमारे पास मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ऑप्शन नंबर बी है महाधिवक्ता, इसकी नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। ऑप्शन सी है मंत्रिपरिषद के सदस्य, इनकी नियुक्ति भी कौन करता है, राज्यपाल। ऑप्शन डी है हमारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ये क्वेश्चन जो है ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा ही राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, और राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार ही जो है राज्यपाल अपना पद ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित है। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल नंबर 154। आर्टिकल नंबर 154 के अंदर कहा गया है कि राज्य की जो है कार्यपालिका शक्ति जो है किसके अंदर होगी, राज्यपाल के अंदर निहित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल पद के लिए उम्र सीमा क्या निश्चित की गई है, यानी राज्यपाल बनने के लिए उम्र सीमा क्या होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, 35 वर्ष। किसी भी व्यक्ति को राज्यपाल बनने के लिए उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, कम से कम 35 वर्ष उसकी आयु होनी चाहिए, और राष्ट्रपति बनने के लिए भी कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। ये आपको याद रखना है, काफ़ी बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस अध्याय में और किस अनुच्छेदों में वर्णित हैं। आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं।
इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, भाग चार और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक जो है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। इसके अलावा दोस्तों काफ़ी बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अंदर मौलिक अधिकार किस भाग में है और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास होता ऑप्शन नंबर ए, यानी भाग तीन और आर्टिकल कितने हैं दोस्तों 12 से लेकर 35 तक। ये आपको याद रखना है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का विशेष महत्व है, किसके लिए जो है विशेष महत्व है ये आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, राज्यों के लिए, किसके लिए है दोस्तों राज्यों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में कौन सा अंतर नहीं है ये आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं हो सकता जबकि तत्वों में संशोधन हो सकता है, यानी मौलिक अधिकारों में जो है संशोधन जो है नहीं किया जा सकता लेकिन नीति निर्देशक तत्व जो है उनमें संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व उस चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है, ये कथन किसके द्वारा कहा गया है। इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, के टी शाह, किसके द्वारा कहा गया है दोस्तों के टी शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का एक उद्देश्य क्या है, आपको बताना है कि इसका एक उद्देश्य क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर एक, सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करना। क्या है दोस्तों सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करना, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ के संविधान से लिए गए हैं, यानी किस देश के संविधान से हमारे देश के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है लिए गए हैं। इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड से। काफ़ी बार ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम के अंदर रिपीट होता है दोस्तों, तो आपको ये याद रखना है कि भारत के अंदर जो है भारत के संविधान के अंदर राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है किस देश से लिए गए हैं, तो ये है आयरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित शब्दों में किस एक को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, ये आपको बताना है कि जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था कब हुआ था 1976 के अंदर, इसके अंदर जो है इसे मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है, इसके अंदर जो है हमारे प्रस्तावना के अंदर कौन से शब्द जोड़े गए थे, तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष। कौन से शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने प्रस्तावना का विचार लिया है, यानी भारतीय संविधान के अंदर प्रस्तावना का विचार जो है किस देश से के संविधान से लिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, अमेरिकी संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मंत्रिमंडल मिशन यानी कैबिनेट मिशन का आगमन किस तिथि को हुआ था, आपको बताना है कि भारत के अंदर जो है कैबिनेट मिशन कब आया था, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, 23 मार्च 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था, इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1923 को। 1923 को मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास के द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया गया था, कब किया गया था दोस्तों 1923 को, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था, यानी खिलाफत आंदोलन जो है वो किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, अली बंधुओं द्वारा जो है खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था, ये दोनों
भाई थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स द्वारा क्रिप्स योजना क्रिप्स मिशन प्रस्तावित हुआ था। आपको बताना है कि क्रिप्स मिशन जो है कब प्रस्तावित हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, मार्च 1942 को। कब हुआ था दोस्तों? मार्च 1942 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा भारत में असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया गया था। आपको बताना है कि महात्मा गांधी द्वारा भारत में असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, 1920 के अंदर। कब किया गया था दोस्तों? 1920 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उत्तरदायी था। आपको बताना है कि इन चार ऑप्शनों में कौन था जिसकी वजह से जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, जनरल और डायर, यानी जनरल डायर। कब हुआ था दोस्तों जलियांवाला हत्याकांड? ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को जो है अमृतसर पंजाब के अंदर जो है जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च कब शुरू किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1930 के अंदर जो है महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1906 के अंदर जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। काफ़ी बार क्वेश्चन जो है रिपीट होता है दोस्तों, आपको ये याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार अमृतसर में कब हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, 13 अप्रैल 1919 को। क्या है दोस्तों? 13 अप्रैल 1919 को। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी नई नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपको नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।